Everybody, so पीछे देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ, बैकग्राउंड देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप लोग सोच रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, कहाँ पे जा रहा हूँ, गेस करो कहाँ पे, फिर जरूर बताऊँगा कहाँ पे जा रहा हूँ। चलो गेस करो, कमेंट जरूर करना कहाँ जा रहा हूँ, ओके। हाँ तो मैं बता ही देता हूँ यार, पता है सैटरडे है, सैटरडे है और जानते हो कि सैटरडे एकेडमी में होता था, लेकिन इस टाइम सैटरडे कहाँ पे होगा, हरियाणा में होगा। तो हम लोगों ने टिकट बुक कराई थी ट्रेन में, तो उसी के लिए अभी हम लोग स्टेशन पे हरियाणा जा रहे हैं। मैं हूँ, अश्विनी भैया है, सचिन भैया है, प्रदीप भैया, टाइगर भैया, कैमरामैन भैया है, और आउटशी दी है, बहुत लोग हैं। तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, हासिल कर ली है, ट्रेन आने में भी तो 15-20 मिनट लेट है, तो आएगी आफ्टर वर्ड्स हासिल, ओके। प्रदीप भैया से हाय, कैसा लग रहा है आपको? है अरे एवरीबॉडी का लिए लग रहा है। अच्छी भैया कैसा लग रहा है आपको आने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुकून मिल रहा है। अगर भैया कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। ओरे ओरे भैया आपको कैसा लग रहा है? आज देख लो ये अपने पैसे पहले दिया, वो दिया, बहुत बढ़िया, पेट खराब समझ में नहीं आ रहा है। अर्षी दी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, अब ट्रेन आने में बस थोड़ी देर बची है, उससे चलते हैं। जितने दिवे दीदी उधर ही खड़े हो गए सबसे, भैया बब्बर भैया हमारे सबसे लंबे बंदे, चलो ना। है एवरीवन, चल रहे हैं, है एवरीवन, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ट्रेन आने में थोड़ी देर लेट है, आफ्टरवर्ड दी दे हां सर, ओके। सो हमारी ट्रेन आ चुकी है, एंड आप क्या करना, तो ट्रेन आती है अपनी, बैठने तो होता है यार, इंतज़ार ख़त्म होता है और बैठते हैं। तो चलो यार अब बैठते हैं और आपको पूरा नज़ारा ट्रेन का दिखाता हूँ मैं, ओके। Few moments later. फाइनली अम्बाला पहुंच चुके हैं, अश्विनी भी सारे लोग हैं, अम्बाला पहुंच चुके, बहुत भीड़ थी, वीडियो देख रहे हो। सो बस पकड़ के सीधे निकलते हैं करनाल के लिए, हरियाणा तो पहुंच चुके, अम्बाला पहुंच चुके हैं, जस्ट हसल हमारी अम्बाला पहुंच चुके हैं। यू कैन सी सभी लोग हैं, भैया दीदी दिव्या दी सबसे आगे लंबे लंबे जा रहे हैं, अश्विनी भैया बब्बर। सो अभी यहाँ से बस पकड़नी है, मैंने आप तो वर्ड हरियाणा करना ढाबे पे मिलते हैं, अक्रेट खड़ी ढाबे पे, ओके। इन फ्रंट ऑफ मी अश्विनी भैया और 64 भैया है, पता कैसा है उनकी बॉडी उतनी कैसी, ओके। वैसे तो ये अम्बाला स्टेशन है, एक्सटीरियर व्यू है अम्बाला का, बहुत अच्छा है, एक वो एक टैंकर रखा हुआ है। 1 hour later. अभी वैन मिल चुकी है, बस नहीं थी, वैन बुक कर ली थी, तो उससे हम लोग जा रहे हैं ऑन द स्पॉट पे बाय द वैन। और अभी रास्ते में हम लोग, मैं सारे भैया लोग, सबके सब बैठे हुए सीधे ऑन द स्पॉट वहीं मिलते हैं। अभी वो व्यू दिखाता हूँ, रोड का व्यू दिखाई देता हूँ। हम अपग्रेड थे, अभी तो पहुँच चुके हैं बाहर का एक्सटीरियर हाईवे पे, हम लोग अभी और बताना यार कैसा लग रहा है ये, तो अपग्रेड के लिए अभी का पूरा पोस्टर है, एक्सटीरियर व्यू है ये, मेरे को जरूर करना जाना कि कैसा लगा आपको पूरा था भाई ये, अभी आपको पूरा टूर कराता हूँ। और वैसे टूर तो कराना ही है, मैं जरूर पूछे तो वैसे ये पूरा एक्सटीरियर व्यू है, आप देख सकते हो, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग जरूर बताना कैसा लगा, क्योंकि नए मॉडल तरीके से बना हुआ है, तो कमेंट जरूर करना, ओके। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, लास्ट ओवर रात में हसलिंग करेंगे, ओके।
बहुत तेज, बहुत थक गया हूँ, अभी तो रेस्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा रास्ता है। A few moments later. और ये वो व्यू है जहाँ पे मैं रुके हुए, जहाँ मेरे को रूम है उसके पीछे का, मतलब ये पीछे का दबा है, ये बैक स्टेज का, मतलब जो ऐसा कह सकते हैं कि चारों तरफ खेती खेत है क्योंकि हाईवे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ से खेती खेत होंगे। और ये हम लोग का रूम है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, आप देख सकते हो पूरी की पूरी हरियाली है, मतलब अभी तो नहीं कह सकते। सो अभी हम मैच कार्ड के लिए आए हुए हैं, मीटिंग खाली सर ने मीटिंग कराई थी तो उसी के लिए आए थे, एंड मैच कार्ड मिल चुका है, 5 बज चुके हैं। मैं तो कमेंटेटर हूँ, रिंग आराम से कमेंट्री करूंगा यहाँ पे। यार 17 का जो 17 लास्ट शो होता है मेगा से, उसके बाद ही आया हूँ क्योंकि उसका घर चला गया, दिवाली की छुट्टी थी तो अभी आया हूँ। एंड हसल राइट एज ऑलवेज, एक्सपीरियंस इज मस्ट डू। सो एट द इवनिंग टाइम, ना नाइट टाइम, 7:30 बजे शुरू होगा, स्टार्ट होगा, और पब्लिक तो बहुत आने वाली है, हरियाणा की पब्लिक तो आप जानते हो यार, एकदम एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो मिलते हैं, पहले आपको पूरा रिंग एरिया दिखाता हूँ कैसा है, आफ्टरवर्ड्स रात का तो होगा ही, ऐसा रिंग साइड का मस्त, कोई ज्यादा लोग आए नहीं है। ऐसे ऐसे बनाते 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 खत्म। 2 hours later. So finally I'm ready here for us for the show. और आप सीधे मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, अंधेरे में और अच्छा लगता है यार। सो रेडी भी हो गया, फाइनली उसी टाइम पे आ चुका हूँ जहाँ पे सब कुछ रेडी है, मैं पूरा ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ओके शो तो खत्म हो चुका है, एंड आई एम ऑल्सो रेडी कि अब घर निकलना, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। लेकिन मज़ा आ गया शो में यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप बताना मेरे को कैसा लगा। ओके मेगा शो के बाद अभी पहली बार आया था क्योंकि घर गया था। ओके सो मिलते हैं, ओके खा लेते हैं, थोड़ा पेट पूजो तो होनी चाहिए, बताया ना, पीछे बैठे हुए हैं। ओके खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, और एनर्जी लॉस्ट हो गई है, फिर अपडेट देता हूँ एक और। और यहाँ का ना रात का व्यू तो और अच्छा लगता है, देखो ये इंटीरियर का है जो मेन थीम बनी हुई, पूरी रिंग थीम है, मतलब पूरी WWE की थीम बनी हुई है, एज ऑब्वियस जो सुपर VIP लोग होते हैं वो उनके लिए बनी हुई है रिंग, उसके अंदर सोफा है, मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यार तुम लोग बताना है कैसा ढाबा। ओके मतलब एक तो आई लव दिस क्योंकि WWE मुझे भी पसंद है, फ्रैकिंग लव है। सो आप लोग बताना कि यह ढाबा कैसा है। ओके नाउ इट्स टाइम टू से बाय, अब शायद मे बी अगले सैटरडे को मिलते हैं, अब तो बाय करना ही पड़ेगा, रात हो गई है, अब जैकेट भी तो निकलना ही पड़ेगा। ओके सो सी यू गाइस, अब चलते हैं, टाइम हो गया, अब प्यार मार। सो अभी बस में बैठे हुए हैं, बस मिल चुकी है जलंधर के लिए, डायरेक्ट जलंधर के लिए, और 11 बज रहे हैं, और अभी 4 से 5 घंटे लगेंगे बस से, ट्रेन से जल्दी लगते हैं लेकिन सब देर लगेगी। सो जीतू भैया, आई एम ऑल्सो गोइंग टू जलंधर, और भाई नैकुच, अश्विनी भैया, दिव्या जी सब हैं,
एंड आफ्टरवर्ड्स हम मिलते हैं सीधे जालंधर पे, ओके एकेडमी मिलते हैं, ओके टिल दैट टाइम बाय. फाइनली जलंधर सिटी पहुंच चुके हैं, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं. बहुत टाइम लग गया कसम से, बहुत टाइम लग गया. बात अब बहुत शांति मिली क्योंकि अब एकेडमी जाएंगे, पूरा का पूरा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे क्योंकि दूसरे आप तो कल तो संडे ही है राइट. मतलब पूरा शो कैसा लगा, पूरी ट्रैवलिंग का व्यू कैसा लगा, मतलब जितना भी मैंने शो किया ना पूरे व्लॉग में मेरे को ज़रूर बताना कैसा लगा. आफ्टरवर्ड्स बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यार कि सपोर्ट करते रहो, कोई भी मिस्टेक हो ना यार भाई कुछ भी समझ के मतलब मेरे को कमेंट करो ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि यार कि क्या मिस्टेक्स हो रही है मेरे, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा बार बार, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा. सो लास्ट टाइम आई वुड से दैट एज ऑलवेज से एक्सपीरियंस इज मस्ट, सो टिल दैट टाइम बाय.